दोस्तों, क्राइम सिटी बनती जा रही है राजधानी दिल्ली। इसमें पहले श्रद्धा हत्याकांड, कांजवला कांड और निक्की हत्याकांड ने तो देश को हिलाकर रख दिया है। वैलेंटाइन डे पर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में उस समय सनसनी मच गई जब एक लड़की की लाश ढाबे के रेफ्रिजरेटर में मिली। बता दें कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 24 वर्षीय एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख दिया और उसके बाद उसी दिन वो दूसरी महिला से शादी करने के लिए निकल गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल गलोद दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के मित्रान गांव का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह घटना वैलेंटाइन डे के दिन सामने आई है और आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार सुबह रेफ्रिजरेटर से 23 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने कहा कि साहिल ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव से ये बात छिपाई थी कि उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय होने वाली है। जानकारी के मुताबिक साहिल और निक्की एक दूसरे को साल 2018 से जानते थे। साहिल ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। वही निक्की ने भी यही एडमिशन ले लिया। इसके बाद साहिल और निक्की हर दिन एक ही बस में अपने अपने इंस्टीट्यूट जाते थे और दोनों में प्यार भी हो गया था और फिर दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे थे। वहीं साहिल ने दिसंबर 2022 में निक्की को छोड़ किसी और लड़की से सगाई कर ली और शादी की डेट 10 जनवरी को तय हुई। इस बात की भनक जब निक्की को हुई तो उसने इसका विरोध किया और दोनों के बीच जमकर तकरार भी हुई। इस दौरान साहिल ने कार में रखे मोबाइल डेटा वायर से गला घोटकर निक्की की हत्या कर दी और उसकी लाश को ढाबे के रेफ्रिजरेटर में बंद कर बेखौफ साहिल ने फिर उसी दिन घर जाकर शादी कर ली। वहीं जब आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि निक्की की हत्या करने के बाद उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, हत्या करने के बाद उसने दोबारा निक्की के शव को देखा तक नहीं। साहिल ने माना कि 10 फरवरी को जब वो शादी के लिए फेरे ले रहा था तो उस समय उसे निक्की की याद आई थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।